भरे मन से राहुल गांधी लोगों को दिखाने लगे लाल डायरी, राजनीति में मच गया भयंकर हड़कंप। जैसे आपको तय चली कि लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कांग्रेस के बब्बर शेर राहुल गांधी व कांग्रेस की शेरनी प्रियंका गांधी लगातार रोड शो और ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए नजर आ रही और अपने अपने प्रत्याशियों के लिए तमाम दिग्गज नेताओं के द्वारा वोट मांगने का काम भी इन दिनों लगातार किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज राहुल गांधी मध्य प्रदेश के भिंड में पहुंचे, जहां पर राहुल गांधी का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं एवं जीतू पटवारी के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि राहुल गांधी की रैली में किस तरीके से जनता जनार्दन उन्हें आशीर्वाद देने के लिए भिंड की मैदान में नजर आई। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा दिलचस्प वाक्या तब नजर आया जब राहुल गांधी अचानक से भरी सभा में लाल डायरी दिखाने लगते हैं। इसमें राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि अगर चुनाव जीते तो संविधान को बदल दिया जाएगा, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि संविधान गरीबों की आत्मा है, इसे कोई ताकत नहीं मिटा सकती। सबसे पहले आपको राहुल गांधी का ये पूरा भाषण और वीडियो दिखा देते हैं। बीजेपी के नेताओं ने साफ कहा है, अमित शाह ने कहा है, बड़े बड़े नेताओं ने कहा है कि अगर चुनाव में जीत होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। और मैं आपको बताने आया हूं, ये हिंदुस्तान की गरीब लोगों की आत्मा है, इसको कोई नहीं छूने वाला है। दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो इसको बदल सके। ये बीजेपी वाले सपने देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने, अंबेडकर जी ने मिलकर हिंदुस्तान की जनता के साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई की और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो संविधान है, ये जो हिंदुस्तान की आवाज है, ये हमने बनाया। इसको हम ऐसे नहीं मिटने देंगे और हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान के गरीब लोग। तो वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर गुस्से में लाल होकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी भाजपाइयों पर जबरदस्त तरीके से अपना भड़ास झाड़ते हुए नजर आ रहे। से आपको पता चले कि ये वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिस पर यूजर्स भी तरह तरह की प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या सोचते और समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज डेस्क से हर्षराज की रिपोर्ट।